खत्म करो भाषण का किस्सा, सब मिलकर लो अपना हिस्सा। ये नारा है। अभी तो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल नहीं, ये विषकाल है, विषकाल। आपने यहाँ पे चमार क्यों लिखा है? आप यहाँ पे बहुजन लिख सकते थे, दलित लिख सकते थे। बहुजन नहीं, हमें चाहिए, हमको देश की धन धरती सत्ता और व्यवस्था में हमारी आबादी के अनुपात में हमें संतुलित और अनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा भारत, तो फिर सबका साथ सबका विकास नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से सामंतशाही राज हो जाएगा। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं अपनी अपनी मांगों को लेके, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी रोजगार, कभी किसान, कभी युवा, कभी जवान। और आप अभी देख सकते हैं हिस्सा आंदोलन की मांग हो रही है, चमार मोर्चा एससी एसटी समूह। आप लोग यही समूह से आए हैं, क्या दिक्कत है? सारा कुछ तो चंगा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आरक्षण है, तो क्या चाहिए? ना तो आरक्षण चाहिए और सबका साथ सबका विकास में हमारे समाज का कोई विकास नहीं हो पाया है। लोग कहते हैं कि 75 साल से तो आरक्षण ले लेके सब मुस्तंडे हो गए हैं, सबके सब अमीर हो चुके हैं। ये गलत है। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, ये हमारे समाज के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई विश्व महोत्सव है हमारे समाज के लिए। अभी तो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल नहीं, ये विषकाल है, विषकाल। क्या आपके जो इस मोर्चे, इस आंदोलन जो है, इसमें आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमको देश की धन धरती सत्ता और व्यवस्था में हमारी आबादी के अनुपात में हमें संतुलित और अनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए, उस पर कब्जा चाहिए। जनगणना, हमें जनगणना चाहिए जातिगत आधार पे, और कितने लोग बचे हैं जो समता और समानता की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं हमारे संविधान के मुताबिक, उनको ऊपर लाया जाए, उनका कल्याण किया जाए, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक उत्थान किया जाए, यही हिस्सेदारी है। आप लोग अभी भी शैक्षणिक, राजनैतिक तौर पे अभी भी पिछड़े हैं। जी, पिछड़े हैं। लेकिन लोग तो कह रहे 75 साल से आरक्षण मिल रहा है। लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र, अभी आपने देखा कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र से आपका क्या ख्याल? हिंदू राष्ट्र क्या, हमारा समाज जो है वो आद समाज है। जब से मानव का विकास शुरू हुआ, जब से मानव जाति इस देश में, इस संसार में अस्तित्व में आई है, तब से हम आद हैं, आद पुरुष की औलादे हैं। हमारा कोई धर्म नहीं, हमारे कोई मजहब नहीं। लेकिन आपके साथ आप अकेले हैं, जबकि आप नहीं, अभी तो लोग जा भी चुके हैं। कितने लोग आए थे? ये 20-25 लोग थे। अभी 20-25 लोग से क्या होगा, पूरे भारत में आप... पूरे भारत के आएंगे, पूरे भारत के आएंगे, और पूरे भारत में होगा और चल रहा है, और 95 से हम जो कर रहे हैं वो सारी रिसीविंग है, सब कुछ है। तो क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास, अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है, ये सब नारेबाजी है? खत्म करो भाषण का किस्सा, सब मिलकर लो अपना हिस्सा, ये नारा है। ये भाषण सुनने के लिए नहीं है, और ना हम भाषण देते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु पे अपने बात करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, दे रही है सरकार, राशन भी 5 किलो फ्री में मिल रहा है। वो फ्री वाले लोग हमारे समाज में नहीं है, फ्री वाले दूसरे ही हैं। कौन है फ्री वाले? वो फ्री में ही जीवित रहते हैं, परजीवी लोग हैं। कौन है वो लोग? वो हैं जो कमाते खाते वाले लोग हैं, जिनको ना संविधान का पता है, ना सरकार का पता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें फेंका हुआ चाहिए और वो उनका पेट भरना चाहिए, वो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि आप अभी अपने चमार मोर्चा को लेके अभी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को खतरा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को, और जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबका साथ सबका विकास होगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा भारत, तो फिर सबका साथ सबका विकास नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से सामंतशाही राज हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार, प्रजा होती है और राजा होता है, प्रजा का काम है राजा की सेवा करना। कौन आप लोगों को दबाता है? आप लोगों को कौन शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पे ऊंचा नहीं होने दिया? इसके सबसे बड़े जो एक तत्व है वो हमारे समाज के ही बीच में है। हम दूसरों की परवाह बाद में करें,
पहले तो हमें हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे समाज के लोग जो होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं चापलूसी करके, उनको पहले उनसे ही लड़ना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ना होगा, तभी समता और समानता का साम्राज्य यहाँ पे इस देश में हो सकेगा। आप ऐसा मानते हैं कि आप ही के जो जाति में हैं, आप ही के जो लोग हैं, वही लोग चापलूसी करके आगे बढ़ते हैं? जी, वही लोग बढ़ते हैं। एक शासक वर्ग किसकी चापलूसी करते हैं? जी, किसकी चापलूसी? शासक वर्ग की। शासक वर्ग की चापलूसी करके उनकी एक मानसिकता बन गई है कि शासक वर्ग के साथ जुड़ जाओ और अपना काम सीधा करो, बाकी समाज से हमें क्या लेना देना। ज्यादातर लोग आजकल यही कर रहे हैं कि अपने आप को आगे करते जा रहे हैं, जो पीछे हैं उसको और पीछे करते जी, जा रहे। यही समता। तो कैसे जब आप ही के लोग आपको दबाएंगे तो कैसे आप शैक्षणिक, राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति से मजबूत बन पाएंगे? समता और समानता की जो मुख्य धारा है, तो समता और संपन्नता और विपन्नता के मध्य की जो खाई है वो और चौड़ी होती जा रही है इस अमृत काल में। आज तक उसको पाटने का, उसको समतुल्य लाने का प्रयास है हिंसा आंदोलन। हिंसा आंदोलन किसी की ना तो बुराई करता है, ना किसी से कुड़न करता है और ना किसी के खिलाफत करता है। यहाँ तक कि सरकारों की जैसे आरक्षण नीति है। आपने यहाँ पे चमार क्यों लिखा है? आप यहाँ पे बहुजन लिख सकते थे, दलित लिख सकते थे। बहुजन नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं SC ST। आप भी तो जाति फैला रहे हैं ना, चमार लिखने की क्या जरूरत है? देखिए, चमार का जो सीधा साधा अर्थ है इसमें जो लिखा है वो एक जाति विशेष से नहीं है। जाति विशेष तो मूल में है उसके, लेकिन चमार वो है जिसका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक चारों दिशाओं से जिस मानव का उत्पीड़न हो रहा है। क्या लग रहा है, संविधान को बने हुए अभी 75 साल से ज्यादा हो चुका है, 75 साल लगभग हो चुका है और अधिकार भी संविधान में मिला है जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो राजनीति शैक्षणिक रूप से ऊंचे नहीं उठे हैं उसको मिला है, लेकिन अभी 75 साल पूरा हो गया, क्या लगता है कब तक आप लोग को हिस्सा मिलेगा? नहीं, हिस्सा तो तब मिले जब जाति जनगणना हो, पता किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद जी, तो क्या लग रहा है कब तक ये सब मिलेगा? ये हमारे हिसाब से कब तक लड़ाई करनी होगी? 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता के 100वें साल 2032 में उसको 100 साल हो जाएंगे और तब तक का हमारा लक्ष्य है इसको पाना। पा लेंगे, अगर नहीं मिला तो क्या करें? नहीं मिलेगा तो मानव के लिए और संविधान की धाराओं के तहत जो भी अंतिम अधिकार है उसका सदुपयोग करते हुए कोई भी कदम उठाऊंगा और उसके बाद सूचित करूंगा समय समय पर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है, लोग यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 75 साल आज़ादी से पहले से ही पिछड़े थे, हर तरीके से पिछड़े, और आज भी ये लोग अपने पिछड़ेपन का ये देख सकते हैं आप कि ये मोर्चा निकाल के आज भी अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, जहां अमृतकाल मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो अभी भी पिछड़े हैं, पहले भी पिछड़े थे, क्या लगता है कब तक इनकी मांगें पूरी होगी, कब तक इन लोगों को हिस्सा मिलेगा, कब तक इन लोगों को अधिकार मिलेगा? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।